हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम आपको जो है फायर एंड आइस पढ़ाएंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सो व्हाट अबाउट द पोम? पोम के बारे में क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस पोम वॉज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1920 इन हैम्पर्स मैगजीन, एंड यू नो फायर एंड आइस वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दांतेज इन्फर्नो व्हिच मीन्स हेल। ओके, दिस पोम ऑल्सो डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, that how the world will end, and here fire is symbolized as a desire, okay, whereas ice with hate, and this poem also won the Pulitzer Prize in 1923. Poet क्या कह रहा है, मतलब क्या है इस poem के बारे में? जो poem थी 1920 में published हुई थी इन हैम्पर्स मैगजीन, एंड इंस्पायर्ड बाई किसे? दांतों के इन्फर्नो, दांतों ने जो है एक इन्फर्नो लिखा था जिसका अर्थ होता है हेल या नर्क, उससे इंस्पायर है ये पोम फायर एंड आइस, एंड इट डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इस पोम में ये बताया है पोएट कि दुनिया का अंत कैसे होगा, और फायर को किससे कंपेयर किया गया है? डिजायर से कंपेयर किया गया है, और बर्फ को, आइस को किससे कंपेयर किया गया है? हेट से कंपेयर किया गया है। और इस पोम को जो है 1923 में पुलित्जर प्राइज मिला था। पुलित्जर प्राइज यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया जाता है, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके डस्ट ऑफ स्नो में। ओके, सो Let's read the text. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Poet क्या कह रहा है? Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, या दुनिया आग में जल के खत्म हो जाएगी। Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि बर्फ पूरे प्लेनेट पे, पूरे अर्थ पे जो है कवर कर लेगी, जब पूरा पृथ्वी जो है बर्फ से ढक जाएगा, उससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अब यहाँ पे जो डिज़ायर है फायर से कंपेयर किया गया है, डिज़ायर में से यहाँ फायर की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मीन्स टेस्ट लिया है, या एक्सपीरियंस जो मैंने अनुभव लिया है, आप डिज़ायर फ्रॉस्ट कह रहे हैं, जो इच्छा से मैंने अनुभव लिया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ रुकना पसंद करूँगा हु फेवर सा फायर, जो फायर को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी, तो कह रहा है कि जो मैंने इच्छाओं से एक्सपीरियंस लिया है वो, तो उसके बेस पे मैं उन लोगों का सपोर्ट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सपोर्ट दोज पीपल हु सपोर्ट फॉर फायर। तो लेट्स सी इन द इंग्लिश, लेट्स ट्रांसलेट दिस stanza into English. Some say the world will end in fire, some say in ice. The poet says that some people believe that the world will come to an end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So poet is saying, the poet says that I have tasted, I have experienced from desire, so I support those people who says that the world will come to an end with fire. Okay, so let's see. I hope you understood. All right. So next is Sanjay. But if it had to perish twice, perish जो होता है, इस means होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, die के लिए भी प्रयोग होता है। तो क्या कह रहा है? इफ़ इट, इट मीन्स द वर्ल्ड, अगर दुनिया दूसरी बार ख़त्म हो, एक बार तो आग से जल खत्म हो जाएगी, लेकिन पोएट कह रहा है इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया दूसरी बार ख़त्म होती है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, आई नो एनफ ऑफ इट, कि मैं घृणा के बारे में अच्छे से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, टू से अगर कहूँ, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश होता है, नष्ट किसी चीज़ का विनाश हो जाना, और डिस्ट्रक्शन होता है। अगर मैं डिस्ट्रक्शन के बारे में कहूँ, आइस इज आल्सो ग्रेट, तो ग्रेट मीन्स यहाँ बिग, मतलब कह लीजिए कि बहुत ताकतवर है ना, पावरफुल। सो आइस मीन्स घृणा इज आल्सो पावरफुल, तो हेट जो है कहीं ना कहीं आइस भी पावरफुल है, क्या करने के लिए? दुनिया को नष्ट करने के लिए। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स होता है सफिशियंट, और ये अपने आप में पर्याप्त होगी। क्या कहना चाह रहा है पोएट? कि आग ही नहीं, मतलब हमारी इच्छाएँ ही नहीं हमारे दुनिया को जो है नष्ट करने के लिए बराबर है, इवन हेट जिसको आइस कह रहा है वो भी पर्याप्त है दुनिया को नष्ट करने के लिए। क्यों? अब डिजायर और आइस को समझ लीजिए, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो आग के समान होती है, जिस तरीके आग अगर लग जाए, फायर को हम लगा जला देते हैं तो बढ़ती जाती है, उसी तरीके हमारी इच्छाएँ। इमेजिन आवर स्कूल टाइम, हम लोगों पहले इस टैक्सी से स्कूल जाते थे तो क्या सोचते थे? काश हमारे पास एक साइकिल हो, उसके बाद फिर बाइक की इच्छा की, साइकिल मिल गई, फिर कार की, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हम लोग इच्छाएं करते जा रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो पोएट कह रहा है हमारी इच्छाएं एक विनाश का कारण बनेगी। एंड हेट जो है, आइस कह रहा है हमारा घृणा क्या है, हेट जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और हेट कहीं ना कहीं लोगों को
को विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि हम जिससे घृणा करते हैं उसको एकदम पसंद नहीं करते, यही चाहते हैं कि उसका भी विनाश हो, उसका बुरा हो। ओके, सो इट वॉज लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग। लेट्स टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम। सो द राइमिंग फायर, साउंड देखिए फायर, डिजायर अगेन फायर, सो ए अगेन ए अगेन ए, फिर आइस ट्वाइस आइस सफाइस, सो बी ओके बी बी सी, फिर हेट ग्रेट, सॉरी इसको बी पढ़ेंगे, सॉरी सी एंड सी। सो क्या हो गया राइमिंग स्कीम, ए बी ए देन अगेन ए बी सी बी सी बी, होल राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी सी एंड बी सी बी। राइमिंग स्कीम पता क्या, जैसे जो साउंड है ना फायर देन डिजायर, देखिए साउंड मिल रहा है ना फिर फायर, इसको जो है राइमिंग स्कीम ऐसे ही कैच किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइसेज। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेज यूज इन दिस पोम इज एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा, इज रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, सम से, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एसोनेंस। एसोनेंस इज फिगर्स ऑफ स्पीच यूजिंग वॉवेल्स अगेन एंड अगेन इन द सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें ओ देखिए, होल्ड में ओ, दोज में ओ, हु में ओ, फेवर में ओ, तो ये कितना बार जो यूज हुआ है वॉवेल, इसको जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। ओके, सो थर्ड वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। जो एसोनेंस होता है वो वॉवेल के रिपीटेशन पे बनता है, एक लाइन में अगर बार बार यूज होता है, एलिट्रेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट के रिपीटेशन पे होता है। फॉर एग्जाम्पल फेवर फायर, फेवर फायर, तो इसमें एफ देखिए दोनों जो है आया है, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, अगेन सम से, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ओके, सो नाउ फोर्थ वन इज पर्सानिफिकेशन। पर्सानिफिकेशन इज एन डिवाइस दैट शोज नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग्स। पर्सानिफिकेशन उस फिगर्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स को जैसे को इंसान के तरीके, पर्सन से बनाए, पर्सनिफिकेशन पर्सन के तरीके दिखाते हैं, जैसे आइस और जो डिजायर है हमारी फायर है, ये क्या, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इनको कैसे दिखा रहा है पोएट, एक इंसान के तरीके। ग्रेट कौन होता है, इंसान होता है, आइस थोड़ी महान होती है, तो इसको इंसान के तरीके दिखा रहा है, तो क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। लास्ट वन आई एम गोइंग टू टॉक दैट इज एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट अ थॉट अ क्लॉज दैट यूजेज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज अगर किसी भी लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको प्रयोग कंप्लीट करने के लिए पोएट दूसरी लाइन या किसी तीन लाइन का प्रयोग करता है। देखिए इस लाइन का जो यूज है ये मतलब जो है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट देन एंड वुड सफाइस, तो ये तीन लाइन मिला के अर्थ कहीं कंप्लीट हो रहा है, इसका मीनिंग एक लाइन में क्लियर नहीं हो रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। सो दैट्स इट all about this poem. I hope you enjoyed this video. We will back soon with more. Till then, bye.